नात जिंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही वसहबिही अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो कुलूब व अजहान, सलामत रहें वो समातें, वो बसारतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ो सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुर नूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं मजाल से ज़िक्र रब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप अपनी समातों को हिलावत अता करते हैं, शरीनी अता करते हैं आका के ज़िक्र के साथ, और आपके क़ुलूब व ज़हन राहत पाते हैं मेरे आका के ज़िक्र के साथ। वरफ़ा अना लक ज़िक्रक, जब अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम के ज़िक्र को अपने महबूब करीम की खातर बुलंद फरमा दिया, तो नाज़रीन सोचें हम किस ज़िक्र के साथ वाबस्ता हैं, हमारी निस्बत किस ज़िक्र के साथ है कि जो ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला कब्र में रोशनी करेगा। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के मुतअद्दद सहाबा नात खान भी थे, नात गोशोरा भी थे, जैसे आपने सुना, उलमा से सुना होगा, हज़रत हसान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत काब बिन जुहैर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और मुतअद्दद सहाबा सहाबियात मेरे आका की बारगाह में मदा सराई करते। नाज़रीन, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है के ज़रिए हम इस हसीन ज़िक्र के साथ जुड़ जाते हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आज जो ख़ूबसूरत शख्सियत और आका अलैहिस्सलाम के नामे नामी हुजूर के ज़िक्र के साथ शोहरत पाने वाली शख्सियत और एक मुनफरिद लबो लहजे के सना खान और नात के उसलूब के हवाले से एक मुस्तनद अंदाज में पढ़ने वाले सना खान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले उनका तारुफ पेश करता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान इलाही सियालवी। जनाब अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपका शुक्रिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौफीक के साथ आपको अल्लाह करीम ने बहुत खूबसूरत नात का आहंग और ढंग अता फरमाया है। ये सब मेरे हुजूर का करम है कि जो अपने नात खानों को चुनते हैं खुद। मैं चाहता हूँ कि जब सरकार की बारगाह से कोई बंदा चुना जाता है तभी वो हुजूर की सिफ्त सलाह करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान, हुजूर के सना खान होते हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं, वरना आवाज़ें तो बहुत लोगों के पास। अल्लाह अकबर। लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि हम, ये बहुत बड़ी तौफीक है। और नाज़रीन, ये बात ये भी सच है कि समात के हवाले से भी तौफीक उन्हीं की बारगाह से अता होती है, वरना कौन आका की मदह सराई कर सकता है? और फिर किस को तौफीक मुयस्सर है आका की तौफीक के बग़ैर हुजूर का ज़िक्र सुनना? अल्लाह करीम उसी को ये नेमत अता फरमाता है जिसके दिल के अंदर शौक़ होता है। हज़रत काब बिन जुहैर के हवाले से मैंने आपको नाज़रीन बात सुनाई, तो नात ज़िंदगी है। नात के ज़रिए से हज़रत काब बिन जुहैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िंदगी अता हुई। चूँकि आपको मालूम है कि वो मुख्तलिफ बादशाहों सरदारों की शान में कसीदे लिखते थे, और ये नहीं जानते थे कि कल एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि मेरी गुस्ताखी के पेश नज़र मेरे कत्ल का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। अल्लाह। जब उनके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया गया तो छुपते फिरते, और एक दिन बहरूप में अपना बहरूप यानी शक्ल बदल कर हुजूर की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं सहाबा के मजमे के अंदर, और मेरे आका की मदो सराई के हवाले से बहुत सारी नातें पेश की जा रही थी सहाबा की तरफ से, आका के कसीदे पेश किए जा रहे थे। तो बहरूप में थे, हुजूर की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, और चूँकि बहरूप में होते हैं अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं कुछ अशार सुनाना चाहता हूँ। हुजूर की बारगाह में नात या अशार सुनाते हैं मेरे आका की बारगाह, और हुजूर की बारगाह में बैठे सहाबा बड़े खुश होते हैं, और फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह क्या किसी ऐसे शख्स को भी माफ़ी मिल सकती है जिसके हवाले से आपने हुक्म जारी फरमा दिया हो
कि इसको कत्ल कर दिया जाए और अपना बहरूप से अपने रूप में आ जाते हैं। जब ज़ाहिर होते हैं आकल इस्लाम मुआफ़ी अता फरमा देते हैं, नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद होता है और देखें हज़रत काब बिन ज़ुहैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़िंदगी अता होती है और फिर बारगाह मुस्तफ़ा में वो शोहरत पाते हैं, वो मकाम पाते हैं कि सहाबा उनके कलाम सुनते और अपने दिलों को आका की मोहब्बत से सरशार फरमाते। नाज़रीन बिला ताख़ीर हम गुजारिश करेंगे अपने खूबसूरत मेहमान से कलाम के हवाले से। जी मोहतरम हाफिज़ साहब, कलाम अता फरमाइए। मोहम्मद हनीफ़ नाज़िश कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके कलाम से मैं आगाज़ करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। हर के तले नात सरा हूँ, गोया के मैं गुंबद के तले नात सरा हूँ। और नाजा दहलीज़े पयंबर पे कड़ा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नाज़ मुझे नस्बते हसन पे नाज़िश नस्बते हसन पे नाज़िश वो नात का सूरज है। मैं छोटा सा दिया हूँ, वो नात का सूरज है। मैं
छोटा सा दिया हूँ मैं शाहे मदीना के गदा का गदा हूँ। अल्लाह अकबर, मैं शाहे मदीना के गदाओं का गदा हूँ। और नाज़रीन, एक आशिक की यही इल्तिजा और ख्वाहिश होती है कि मेरे आका की ज़ाते तैयबा के साथ जिस शख्स को भी निस्बत हो, जिस चीज़ को भी निस्बत हो, उससे भी मोहब्बत की जाए। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बड़ी ख़ूबसूरत आपने बात सुनी इसी कलाम में कि देखें उनके साथ हमारी निस्बत है, चूँकि वो आका की बारगाह में वो सना खान थे जिनको आका ने अपना मिंबर अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह। जी मोहतरम ज़ीशान सियालवी साहब, ये इतना खूबसूरत लबो लहजा, ये नात में तरन्नुम, आपकी आवाज़ के अंदर ये हसीन सुरीला अंदाज, ये कैसे अता हुआ? ये तो सबसे पहले तो मेरे मालिक की अता है, गॉड गिफ्टेड, ये सबसे पहले होता है कि मालिक की तरफ से आपको हुजूर की सदके से अल्लाह ताला की बारगाह से ये अता होता है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की दुआएं और साथ कराम की मेहनत जी और उनका अदब और उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये कोशिश करते हैं कि हुजूर की बारगाह में जो भी पेश किया है हुजूर की बारगाह से कबूलियत का वो शर्फ हासिल हो जाए। अच्छा, आम तौर पर ये दो ही चीज़ें मेन होती हैं कि एक सुर का इंतखाब और फिर एक कलाम का इंतखाब। जी जी, इन दोनों हवालों से मेन गाइडेंस जो है आपको वो किस शख्सियत ने दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैंने पहले भी अर्ज़ किया है काफ़ी बार कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दो मुस्तनद असातिज़ा इकराम से नात का फैज़ हासिल करने का शर्फ हासिल हुआ। सबसे पहले अलहाज नज़ीर हुसैन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे इब्तदाई तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की, और उनके जब दुनिया फ़ानी से रुख़सत होने के बाद अलहाज सैयद मंज़ूरुल कुनैन शाह साहब। अच्छा, एक बात निज़ामी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए, सुर के हवाले से वो मुझे भी मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी एजाज़ हासिल है जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी कोई एक जुमला बताइए वो क्या फरमाते थे सुर के इंतखाब के हवाले से? देखें चूँकि जिक्र मुस्तफ़ा है और इस हवाले से सुर तो फिर आम जी बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल भी तो होता है ना। जी जी, उनका अंदाज़ बड़ा मीठा और मुर्की वाला अंदाज़ था, बहुत बुलंद आवाज़ से वो नहीं पढ़ा करते थे कि हुज़ूर की बारगाह में, शायद वो कहते थे कि मैं जब भी हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी पेश करूँ या हुज़ूर की बारगाह में नात पढ़ूँ तो बड़े धीमे लहजे में, ये ना हो कि हमारी आवाज़ से कुछ ऐसा जो है वो इम्पेक्ट पड़े हुज़ूर की बारगाह में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान सियालवी, इनसे और भी बात होगी और इनसे नात भी हम सुनते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा है नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए, हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान सियालवी। बड़ी खूबसूरत आपने उनसे नात सुनी और मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा जी, एक और कलाम अता फरमाइए हमारे सैयद आला हज़रत के कलाम से चंद अशआर पेश करता हूँ। जी ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए ज़मीनों ज़मां तुम्हारे मकीनों मकान तुम्हारे लिए चुनिनों चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है
जहां तुम्हारे लिए हम आए, यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए हम आए, तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। ये शम्सो कमर, ये शामो सगर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए, ये तेगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए। शेर और सरकार का मज़ा इस शेर में बयान हुआ, समाज फरमाइएगा। के इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए को फेर दिया, दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत अंदाज आपने सुना, और हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका कलाम मैं कहा करता हूँ कलामों का इमाम, मुस्तनद लिखने वाले और कुरान और हदीस की रोशनी में लिखने वाली शख्सियत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। हाफिज़ साहब, मैंने एक सवाल सुर के हवाले से आपसे किया जी। और दूसरा इंतखाब कलाम के हवाले से, और इस सवाल को मैं जोड़ता हूँ हज़रत मंज़ूरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ, कि वो क्या डायरेक्शन और वो क्या जहत आपको अता करते थे कि जब आप कलाम की सिलेक्शन करें तो क्या चीज़ आपके पेश नज़र होनी चाहिए। ये आपको पता है, आप तो बखूबी जानते हैं, और हमारे से तो माशाल्लाह कई गुना सीनियर, आपने उनको बखूबी सुना भी है। तो किबला शाह साहब हमेशा कभी कलाम पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, आपको बखूबी पता है। कहते थे सरकार की बारगाह में कलाम बहुत अच्छा, लफ्ज़ों का चुनाव, लफ्ज़ों का इंतखाब, कलाम का इंतखाब, जब आपने हुज़ूर की बारगाह में पेश करना है तो फिर कलाम जो है वो हल्का हो, कभी उन्होंने कलाम पे जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नाज़रीन आपसे करके तो फिर मैं कलाम के लिए अर्ज़ करता हूँ कि देखें, दुनिया के अंदर
हम मुख्तलिफ चीज़ों की जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें से आइडियल चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, अच्छी चीज़ का इंतखाब करते हैं। मेरे आका का जिक्र है, हुजूर की बारगाह है, तो देखें कलाम पढ़ने के हवाले से, कलाम सुनने के हवाले से खूबसूरत जो है वो जहत मद्दनज़र होनी चाहिए। अच्छे कलाम की फरमाइश और अच्छा कलाम सुनना चाहिए। बहुत सारे शुरा हमारे निसाब के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए, हाफिज़ साहब कलाम अता फरमाए। जी हज़रत मुजफ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह, जी बड़ा खूबसूरत और हुज़ूर की बारगाह में एक गुजारिश पेश की है, उस कलाम पेश करता हूँ। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ना, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला, शायद हुजूर हम से खफा है मना के ला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुछ हम भी अपना चेहरा है बातें सवार ले, कुछ हम भी अपना चेहरा है बात सवार ले, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के जमान का नक्शा उठा के ला, फारूक के जमान का नक्शा उठा के ला, अल्लाह अकबर। महरूम कर दिया हमें जिसे निगाह ने, उस्मान से गुजारिए शर्मो हया के ला, उस्मान से गुजारिए शर्मो हया के ला, और मगरिब ने मारा मारा न फिर गए गदाए इल्म, मगरिब में हाँ मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, दरवाजाए अली से ये खैरात जाके ला, अली से ये खैरात जाके ला, शायद हुजूर हमसे ख
खफा है मना के ना। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सबक हजरत मुजफ्फर वारसी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस नात के अंदर दिया, और फिर सबक भी दिया और फिर हुजूर की बारगाह में इल्तिजा और इस्तेगासा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने सुना। एक मुख्तसर सा वक्फा नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम नात ज़िंदगी है में, और हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान इलाही सियालवी। बड़े खूबसूरत आपने कलाम पेश किए माशाल्लाह। जी जी। और आपको याद है पहली नात आपने कौन सी पढ़ी थी? जी मुझे बिल्कुल याद है, वो कलाम की ना कीता यार ने कि यार पंजाबी में अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह उनका कलाम है। जी बिल्कुल, ये कुछ 4-5 साल की उम्र में पढ़ा होगा। अल्लाह करीम और बरकत अता फरमाए, कलाम अता फरमाइए। एक पंजाबी का कलाम है, उसके चंद शेर। तेरी याद
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਲਜਪਾਲਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋ ਰੋ सुभान अल्लाह। एक आशिक की बारगाह की यही तड़प होती है कि जब वो आका के ज़िक्र में इस्तेग़राक के साथ और तड़प के साथ और आकर इस्लाम की बारगाह की मोहब्बत के साथ वाबस्ता हो जाता है, तो उस वो चाहता यही है कि उसका एक एक लम्हा उसके महबूब की याद में गुजरे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इस्तेगासा भी है, हुजूर की बारगाह की तड़प भी है, और देखें आँखों का वज़ू करना और आका के ज़िक्र के साथ वाबस्ता रहना, इसमें एक बंदा मोमिन की मेराज है। हुजूर की बारगाह से जब आपको आंसू अता होते हैं, वो आका की बारगाह की तड़प होती है। सुभान अल्लाह। जी हाफिज़ साहब, एक और कलाम अता फरमाइए। जी मैं कलाम पेश करता हूँ काफ़ी ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान ਸਾਵਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕਾਬਾ ਨਿਸਾਰੇ ਸਾਵਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕਾਬਾ ਨਿਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬੇ ਦਾ
में डयारे सांवल दिनगरी तो काबा निसारे अल्लाह अकबर सांवल दी नगरी तो काबा निसारे। नज़रीन आपने आरिफाना कलाम जनाब मोहतरम हाफिज़ ज़ीशान इलाही साहब से सुना, बहुत खूबसूरत कलाम, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़रीन मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही प्रोग्राम नात ज़िंदगी है से आपसे इजाज़त तलब करता हुआ दो अशार हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के आपको सुनाता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और बारे दिगर हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपकी आवाज़ की ये बहार कायम रखे। आमीन, जज़ाकअल्लाह। फजल तेरे नल मौला, फजल तेरे नल लोए तर दे फटियां दे संग जड़ के, कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद ओ चंगियां दे संग रल के, ते दुनिया ते जिस दुख नहीं पा क्यों आया किवें आया, पुछ बिलाल अवेश दे कोलों ओ किवें यार मनाया, ते अपने यार दे अपने यार दे बेले विचों तुम्हें चुन चुन खाइए, और किसे दे बागे अंदरों ओ मेवे लेन न जाइए, जिन दिलां विच इश्क समाना जिन दिला विच इश्क समाना फिर नहीं उस जाना, सोने सोने मिलन हजारा असन यार वटाना, सोने सोने मिलन हजारा असन यार वटाना।